Hey guys, this is me Abud, welcome back to another video. तो मेरे पास है ये नया बिल्कुल नया iPhone 12 128GB वाला वेरिएंट। तो ये परचेज़ किया था मैंने Apple की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने दोस्त के लिए। तो अब इंडिया में भी अवेलेबल है, आप इसे Amazon और Flipkart के अलावा भी इसे खरीद सकते हैं डायरेक्ट Apple की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अभी करते हैं हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और इसे मैं अपने iPhone 11 से भी कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि लुक वाइज इसमें कितना ज़्यादा चेंज आया है और स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें अपग्रेड की गई हैं। तो ये है iPhone 12 का एक पतला सा बॉक्स, क्योंकि पता है आपको ये पतला क्यों है। तो चलो अभी इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और इस बॉक्स को मैं पहले ओपन कर चुका हूँ, जब ये आया था तो ये सील पैक था। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको दिखता है iPhone 12, जिसकी स्क्रीन जो है वो कवर्ड है पेपर से। पहले यहाँ पर प्लास्टिक आती थी तो उसे हटाने में ज़्यादा मज़ा आता था, इसे ज़्यादा नहीं आ रहा है तो इसको तो हटाना ही। चलो अभी हम इसको हटा लेते हैं और देखते हैं इसकी स्क्रीन। वैसे स्क्रीन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको अब की से मिलती है सुपर रेटिना डिस्प्ले, यानी पहले आपको IPS मिलती थी, अब आपको OLED डिस्प्ले मिलती है। तो ऐसा है कुछ दिखने में हमारा iPhone 12, जिसे मैं अगर साइड में अपना iPhone 11 रखूं तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। वैसे पीछे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो आपके कॉर्नर हैं वो इस बार बॉक्स शेप में कर दिए गए हैं। पहले ये राउंडेड थे और मैं एक बात कहूं कि राउंडेड शेप जो होता है वो ग्रिप अच्छी बनाता है, लेकिन बॉक्स वाला है थोड़ा दिखने में प्रीमियम लगता है। लेकिन जो सामने से चेंजेस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे लगे। यहाँ पर जो आपके बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले कर दिए गए इस बार, क्योंकि यहाँ पे आपको OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, और यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो अभी आप दोनों की डिस्प्ले साइड बाई साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप इसके बेजल्स देख सकते हैं और iPhone 11 के बेजल्स देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको IPS और यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाली है। तो खासकर अगर आप iPhone 12 की तरफ डिस्प्ले की वजह से जाना चाहते हैं और आपके पास पैसा भर मार है तो भाई आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। तो अब ज़रा भाई नज़र डालते हैं बॉक्स की तरफ कि आपको बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है एक केबल के अलावा, वो भी अगर आपके पास पुराना USB वाला अडेप्टर है तो ये बेकार है केबल बिल्कुल, भाई इसको तो लो ही मत, लेना तो पड़ेगी भाई, बॉक्स में आ रही। और बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, पहले दो स्टिकर्स मिलते थे अब एक ही कर दिया गया, भाई इसमें भी कंजूसी कर लो। और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, भाई वो तो देंगे ये क्या फिर, वरना समझ रहे हो ना। तो बस बॉक्स में आपको और कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कुछ 11 से थोड़े बहुत अपग्रेड भी किए गए हैं, जैसे कि जो आपके कैमराज हैं तीनों कैमराज में अब नाइट सपोर्ट दिया है, वाइड एंगल में भी, मेन लेंस में तो पहले था 11 में, और अब आपको सेल्फी में भी नाइट सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ डाउनग्रेड भी की गई है, वो है बैटरी। पहले इसमें हमारे पास 11 में थी 3110 mAh, अभी कर दी गई है 2815। लेकिन यहाँ पर जो रियल लाइफ में बैटरी बैकअप है वो लगभग आपको 11 जैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ पर प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है A14 Bionic। और थोड़े बहुत अपग्रेड किए गए हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आपको डिटेल में जानना है क्या क्या इसके फीचर्स हैं तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग iPhone 11 वर्सेस 12 का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कॉमन से सवाल आएंगे मेरे पास कि ये कौन सा वेरिएंट है, कितने GB वाला, आपने किस वेबसाइट से लिया है, आपने कितने में लिया है, कैश ऑन डिलीवरी लिया है या फिर पेड लिया है, कैसे लिया है। तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा 128 GB वाला वेरियंट है, मैंने ना ही अमेज़ोन से ऑर्डर किया है ना ही फ्लिपकार्ट से किया, मैंने एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। और ये मुझे पड़ा था 85,000 का, जिसमें आपका जो चार्जर और ईयरफोन है वो आपको अलग से लेना पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इस पर और वीडियोस चाहिए 11 वर्सेस 12 पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो, iOS या फिर एंड्रॉयड। और मैं iPhone 11 यूज़ करता हूँ और एक K20 Pro यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा काम होता रहता है एंड्रॉयड से भी, तो इस वजह से मैं एंड्रॉयड भी यूज़ करता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, सभी का यूजर नेम सेम है @TechAbuzar, इंस्टाग्राम पर तो कर ही लो।